व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज मैं आपके लिए लेटेस्ट न्यूज लेके आई हूँ। यूनाइटेड किंगडम के जो लीडर्स है वो समिट में, उन्होंने एक समिट अरेंज किया था। इस मीटिंग, रिव्यू मीटिंग अरेंज की थी। उसमें होस्ट कौन थे, मीन्स निवेदन कौन थे, तो फ्रांसिस्को रूस थे। और यूनाइटेड लीडर्स बहुत सारे उधर आए थे और उन्होंने एचआईवी के बारे में बहुत सारे जो पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए। और ये आगे जाके एचआईवी मूवमेंट्स क्या होगी और नेक्स्ट फेज क्या होगी, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए। और वो पब्लिक के भी जो है, पब्लिक, वो पब्लिक को भी उन्होंने इन्वॉल्व करने के लिए बोला है उसमें भी है। तो वो स्ट्रैटेजी में वो क्या करने वाले हैं, तो पब्लिक को भी वो इन्वॉल्व करने वाले हैं। और दूसरा, जो पब्लिक जो है वो एचआईवी के बारे में उनको अवेयरनेस देने वाले हैं, क्योंकि 2030 तक पूरे वर्ल्ड में ये एचआईवी मुक्त होने का उन्होंने ऐलान किया है। तो ये जो सब लीडर्स थे उन्होंने वो जो काम था एचआईवी में क्या क्या करेंगे, उन्होंने उसका स्ट्रैटेजी किया। और उस स्ट्रैटेजी का जो मतलब था, तो वो उसमें उन्होंने उसमें चार पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए कि नेशनल जो है, चार पॉइंट्स, एचआईवी और एड्स, एचआईवी और एड्स कैसे होता है वो उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस किया। एचआईवी क्योर कैसे करेंगे उसके बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया। और दूसरा एसटीआई में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस कैसे काबू में लाएंगे इसके बारे में भी उन्होंने बताया। तीसरा जो है वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी है, वो कैसे उसका जो इलाज है वो कैसे और इम्प्रूव करेंगे। और वैक्सीन, एचआईवी पे वैक्सीन कब आएगा इसके बारे में भी उन्होंने सब डिस्कशंस चालू किया है। और ये जो समिट हुआ वो अगस्त टू 15 अगस्त ये 2024 में वो समिट हो गया। क्योंकि लास्ट टाइम जो 224 का जो कॉन्फ्रेंस था उसमें बहुत सारे जो नए नए अभी जो रिलीज हो गए हैं, नए नए उनके जो ताज़ा खबरें उन्होंने तब दी थी, तो अभी वो रिलीज हो गई है। उसमें एचआईवी प्रेप का मैंने बोला कि लेने का पाविर अभी आया है एज अ प्रेप, मीन्स प्री एक्सपोजर हम लेने का पाविर यूज कर सकते हैं। इसके पहले कोबेटाविर था वो अभी प्रेगनेंसी में भी हम यूज कर सकते हैं, ऐसा लेटेस्ट न्यूज आया है। और ये जो कॉन्फ्रेंस 2024 का हुआ था वो जुलाई 22 से 26 में हुआ था 2024 में, और उसका मैंने पूरा वीडियो भी आपके लिए डाला था। तो उसमें जो हुआ था कि एचआईवी प्रेप क्या होते, तो तब मैंने बोला था कि लेने का पावित का जो इंजेक्शन था सनलिंग का, वो साल में दो बार पेशेंट भी ले सकते हैं। और अभी वो साल में दो बार प्री एक्सपोजर करके भी ले सकते हैं, तो उनको एचआईवी प्रिवेंट हो जाएगा। दूसरा डॉक्सीप्रेप भी मैंने बोला था, उसका भी मैंने एक वीडियो किया था, वो भी हो गया है। तो वो लास्ट इसमें क्या हुआ था डिस्कशन, प्रेप के बारे में हुआ था। तो लेने का पावीर का ट्रायल चल रहा था, वो अभी सक्सेसफुल हो गया है अफ्रीका के औरतों के ऊपर। दूसरा जो एचआईवी प्रिवेंशन कैसे करते हैं उसके ऊपर हुआ था, डॉक्टर प्रेप के ऊपर हुआ था, और क्योर रिसर्च के ऊपर हुआ था। और उन्होंने कम्युनिटी को भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया था। ये पिछला जो न्यूज था, और अभी ये लेटेस्ट न्यूज जो आए हैं वो उन्होंने जो यूनाइटेड लीडर्स है वो सब समिट होके उन्होंने ये डिस्कस किया कि आगे जाके एचआईवी एड्स कैसे हो,
हो गया है तो उसको कैसे काबू में लाए। दूसरा, एसटीआई सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से जल्दी कैसे उसको एक तो होने ना दे, और दूसरा अगर हो गया तो ट्रीटमेंट कैसे करे। तीसरा, वायरल हिपेटाइटिस, और जो चौथा है वो वैक्सीन के बारे में मैंने लास्ट टाइम डाला है कि 4 प्रकार के प्रयास चल रहे हैं वैक्सीन के। तो ये सब के ऊपर उन्होंने डिस्कशन किया। मुझे लगता है ये आपको अच्छा लगा होगा, ये लेटेस्ट न्यूज है। और उसके बाद में वो क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं वो उन्होंने अभी तक बताया नहीं है डिटेल में। तो अगर उससे न्यूज आए तो मैं जरूर बताऊंगी। धन्यवाद।